मेरा तो मानना है कि ये विषय में हमें सब जितने धर्माचार्य है हिंदू सनातन धर्म के, हमारे पुष्टि संप्रदाय के जो भी बड़े आचार्य बालक विराजमान है, उनसे सबसे एक मीटिंग करके हमें इसका निर्णय लेना चाहिए कि श्री यमुना जी के नाम पे, उनके प्रदूषण के नाम पे आज जो भी हजारों रुपया इकट्ठा हो रहा है उसका क्या हो रहा है, ये संस्थाएं क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, वो सब जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यही परिस्थिति अगर आगे बनी रही तो आज एक समय ऐसा आएगा कि कोई श्री यमुना जी का पान करने में भी शर्म महसूस करेगा। ये बात तो मैंने अभी अभी एक स्क्रिप्ट में महेंद्रनाथ चतुर्वेदी ने मेरे को ये बतलाया था, तब मैंने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा था, तो वो मथुरा में जल की दो बूंद के बदले जहर परोस रहा है प्रशासन। बिल्कुल आज की डेट में नीचे की जो भूगर्भ में जल है वो दूषित है, शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इस विषय में पिछले 2.5 महीने से ये प्रयास करने की कोशिश की है, वो भी मेरे अपने गुरुजी के कारण। उन्होंने कहा, मैंने एक दिन उनसे कहा कि यमुना जी के ऊपर कुछ मेरे को दीजिए जिससे मैं अपने जो दर्शक हैं मेरी वृक्षराशि.com को देखने वाले वो आपके वचनामृत का अमृत पान कर सकें। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पहले इसको शुद्ध करो तब इसके विषय में मुझसे चर्चा करना, ये मेरे गुरुजी का मुझसे कहना था। बस उसी दिन से ये यमुना का पॉल्यूशन, मेरे को पैसा संग्रह नहीं करना है, समय पड़े मैंने इसके लिए स्टाफ भी निर्धारित किए हैं। आप जैसी कोई दिव्य आत्मा दादाजी की छवि लेकर के इसकी शुरुआत करेगी, डेट अभी फाइनल हो जाएगी। मेरी दो ही चीज है, ब्रज जैसे यमुना आज रो रही है अपने हाल पे और हम देख रहे हैं, और उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है, अमल करने वाले उसको कर नहीं पा रहे हैं। जबकि 200 किलोमीटर की दो पाइपलाइन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समस्या का यमुना जी हथनी कुंड से लेकर के और गोकुल तक आगरा तक क्लीन नाले बना करके कर सकती है कृपा, लेकिन वो योजना प्रपोजल राजनीति के कारण रह जाती है, ऑफिशियल जो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो भी विषय है उसमें सबसे पहले जो भी छोटी मोटी संस्थाएं हैं या अपन सब है, अपने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहले प्रशासन को ही आगे बढ़ना होगा। जय हो। प्रशासन आगे बढ़ेगा तो ही ये कार्य हो सकेगा, उसके बिना ये कार्य मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रशासन आज केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी ग्रांट मिल रही है यूपी सरकार को, गवर्नमेंट को, तो वो दूसरे कार्य में अगर यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट लगा सकती है तो यमुना जी के प्रदूषण में वो ग्रांट को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकती।